यहाँ तो कोई नहीं है। डॉक्टर बानोट की किताब में लिखा था कि आत्मा आग से डरती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। Excuse me. आपने किसी लड़की को देखा? आवाज तो यहीं से आई थी। हेलो मैम, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि डॉक्टर भानोट की किताब आत्माओं का हमला में लिखा था। जब सुशील के ऊपर वो आत्मा हमला करती है तो सुशील एक लंबी सी सांस लेकर उसके बालों को हाथ में जकड़ कर जोर जोर से खींचता है और देखते ही देखते वो आत्मा गायब हो जाती है। हाँ, मुझे भी यही करना होगा। आज फिर डॉक्टर भानोट की कहानियों ने मुझे बचा लिया। जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। वो महल उसे खत्म कर देगा। जी भानोट, भानोट ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खेला है अपनी कहानियों के लिए, लेकिन मैं तो सब कुछ जानता हूं। मैं उस लड़के को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ करना होगा। जरा
कहाँ गई है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ये जरूर किसी और कमरे में छुपी होगी। मुझे इसे ढूंढना होगा। जरा जरा को ढूंढ रहे हो? कौन है वा? मैं पूछता हूं, कौन है वा? दीवान साहब, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, ये मुझे चाहिए, दे दो मुझे। तुम इसके सामने जाते हो? नहीं, आप चले जाओ यहाँ से। अपनी आंखें दे दो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मुझे अपनी आंखें दे दो। बचकर नहीं जा सकते। अगर ताला है तो चाबी भी होगी। सारा, और ये लड़का तो ये तो सारा की आवाज है। सारा, आगे मत, मैं कह रहा हूँ आगे मत। Oh.
मैं यहाँ कैसे? मैं तो वहां सीढ़ियों पर था। ये कपड़े तो किसी लड़की के लगते हैं। ये तस्वीर तो सारा की है। ये तो सारा ही है। सारा की तस्वीर इस कमरे में कैसे आ सकती है? सारा तो खुद इस हवेली में पहली बार आई थी। वो तो मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। एक दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहाँ पर आया और कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए उसे ढूंढने मैं यहाँ पर आई हूँ। सारा मुझसे झूठ कैसे बोल सकती? मैंने तो उसकी मदद की, उसके भाई को ढूंढ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जॉय, सवेरे में कुछ भी हो सकता है कि सारा भी एक आत्मा हो। पहाड़ में गई किताब, बेटा जॉय जिंदा रहोगे तो कुछ लिखोगे। जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता। ये कौन है सर? जॉय, कौन है वह? कौन है? ये कैसे हो सकता है? कौन है?
जॉय, तुम्हें पता है एक बार इस दीवान महल में जो आता है ना, वो वापस नहीं जाता। ये सब एक सपने जैसा है, एक बहुत बुरे सपने जैसा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जरा मेरे करीब मत, जरा वहीं रुक जा, जरा मेरे पास मत आना। जॉय, तुम तो मेरी मदद करने आए थे ना, तो अब मुझसे डर क्यों रहे हो? सारा वहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी नहीं चाहिए थी। छोड़ दो जरा, मुझे तो बस एक रात गुजारनी थी हवेली में, मुझे नहीं पता था कि यह सचमुच में सर, मुझे जाने दो। छोड़ दो तुम्हें, ठीक है भाग जाओ यहां से, भाग कर जाओगे कहां? तुम्हें पता है यहां पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से, पर जाते हैं मेरी मर्जी से। मेरी मर्जी ना उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देती। जॉय, डर क्यों रहे? मेरी मदद करने आए थे ना, अपनी जान देकर ना अब मेरी मदद कर दो। नहीं सारा, फिर हम हमेशा साथ में रहेंगे। आओ मेरे पास आ, आओ जॉय, आओ जॉय, आओ आओ जॉय। दरवाजा अंदर से बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ दोस्त, किसी को ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली डॉक्टर भानोत ने मुझे यहां भेजा था, अगर आज की रात में यहां गुजार लेता हूं तो शायद उनकी अगली किताब लिख पाऊंगा। पर आप? ओह, तो डॉक्टर भानोट ने भेजा? हाँ। अच्छा,
वो क्या है ना कि मैं भी आज की रात यहीं गुजारने वाला हूँ। तुम रहोगे तो डर थोड़ा कम लगेगा, है ना? हाँ, आओ अंदर आओ। थैंक यू। वैसे आपने भी तो कहाँ चला गया है? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हेलो, अभी तो ये था। मैंने आपको पहचाना ना। जी, एक्चुअली कहीं इस महीने की आखिरी रात आप हमारे साथ तो बिताने नहीं आए? जी, पर आपने आने में बड़ी देर कर दी। हम सबको कब से आपका इंतजार था।